तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि गर्मियों में जितने भी सैकुलेंट्स होते हैं वो मरने लग जाते हैं, तो उसका केयर कैसे किया जाए। केयर पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। उसका जीता जागता आपको सबूत दिखाएंगे कि भटोटिया जी ने जितने भी सैकुलेंट्स थे उसको बिल्कुल कटिंग से तैयार किया है, और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इन्होंने क्या किया है, कितने तरह के सैकुलेंट्स जो हैं कि तैयार किया है इन्होंने, तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डॉक्टर SS भटोटिया जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर SS भटोटिया तरवर नर्सरी फरीदाबाद से। जी सर, आज हम इतनी एक्सट्रीम गर्मी में बहुत ही ठंडी के पेड़ों के बारे में बात करेंगे। लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ जी, और वो हम उन पेड़ों की बात करेंगे जो पहाड़ पे उगते हैं जी, सैकुलेंट्स। और दिल्ली में उसका सीजन होता है नवंबर, नवंबर से लेके मार्च तक होता है जी। हाँ। और ये प्रोपोगेट भी वहीं होते हैं पहाड़ों में, यहाँ नॉर्थ में प्लेन्स में नहीं होते जी। पर आप विश्वास नहीं करोगे, देखो जी मैं रेंडमली उठा रहा हूँ पेड़ को, ये हमारा ये वो है क्रेसुला कैंप फायर। क्या बात है सर, ये देखो जी जून का महीना है अब, और जून के महीने में ये देखो जी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया। और लोग कहते हैं जी पानी नहीं देना, हमने पानी ठोक के दिया हुआ जी इसमें। और पानी देने का तरीका कैसा, नीचे से पानी से नहीं, स्प्रे फुहारे से दिया अभी, फुहारे से दिया हुआ है ठीक है जी। हाँ। और इसको प्रोपेगेट करना हो तो ये पीट मोसर वो सिंडर में डाला हुआ हमने। हाँ। लेकिन अब इसको वो यहाँ पर हमने फोगर लगा रखे, अभी हमारे पोली हाउस रिपेयर हो रहा है, फोगिंग करते हैं इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए। और जैसे अब अभी आएगी ना ये जो बरसातें हैं, फिर हम इसमें पानी देना बिल्कुल बंद कर देंगे। ओके, ये देखो ग्राउंड ले, सिर्फ एक तरह का आपने रखा हुआ है या फिर अलग अलग तरह के भी सैकुलेंट्स सब में? अब ये देखो कैंप फायर की एक वैरायटी, एक दूसरी वैरायटी ये है। अच्छा, एक ये वाली है सर, ये देखो सीडम्स हैं जी। क्या बात है, ये सीडम की है देखो, ये वाली ना ये सीडम है। हर तरह के ये तो, हाँ ये थोड़े से उधर हैं, ये वाली मैं दिखाता हूँ, इस साइड में पुराने पेड़ हो रहे सीडम के। हमने फिर थोड़ा डरते डरते लगाए थे वो गर्मियों में कहाँ होंगे, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रोपोगेट हो गया। अब देखो जी ये सीडम, ये देखो जी ये देखो, क्या बात है, ये देखो जी जिस जैली वैली है। हाँ। इसकी रूट्स देखो बाहर, ऐसे आपको सर्दियों में भी नहीं आएगी ऐसी जो जून में हमने ला रखी है। क्या बात है सर, है? गर्मियों में आपने इतने बड़े सैकुलेंट तैयार कर लिए और पूरी ट्रे भरी हुई है। ये देखो जी पूरे सैकुलेंट सही है सारे ना, ये देखो। हाँ। इधर ये भी पड़ी है, ये सब में आएंगी रूटसिंग। जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो साइड से कटिंग से आप नया प्लांट, देखो सैकुलेंट्स का तो ये है, अगर आपने किसी ने यहाँ बचाना है सैकुलेंट दिल्ली विल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, तो इसको काट के अगर इसको लगा दोगे तो बच जाएगा। अच्छा, काट के लगा देंगे। हाँ, तो और जो आपको और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये तो बिल्कुल ही वंडर हो रहा है देखो। ये आप ये देखो, हमने ये लीव्स से प्रोपेगेट कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं आपको देखो आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ ये देखो, ये हाँ। ये देखो क्या बात है, ये रेंडमली उठाया मैंने, कोई चूज नहीं करा। ये देखो जी रूट्स देखो, क्या बात है, ये देखो जी मीडिया प्राय इनका क्लाइमेट इनका ये रोल है जी। ये तो यहाँ पर जितने भी हैं प्रोपोगेट कर रहे हैं आप नए नए प्लांट। हाँ जी, और ये देखो जी हमने जून में ये फाइकस की कटिंग डाली थी, ये भी चल गई। ये सब ना अगर आपके अगर अच्छा क्लाइमेट है, अच्छा ग्रोइंग मीडिया है, सब उसी का कमाल है ये। और ये तो कैक्टस तो हमने दुनिया भर के देखो बना रखे हैं, इनमें सब में रूटिंग है देखो। क्या बात है, ये भी ये देखो सब, ये देखो क्या बात है। लोग कहते हैं जी कैक्टस में रूट्स नहीं बनती, तो पूरा ये देखो जी ये बन रहे हैं सारे के सारे। ये देखो, ये देखो जी क्या बात है सर, सब में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, मतलब गर्मियों में भी सही प्लांट्स चल जाते हैं सब। और दिख रहा है कि फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। ये देखो जी हमारे कैक्टस में फ्लावरिंग हो रही है, ये देखो जी बेहतरीन सर बेहतरीन। अब ये देखो बड्स बन रही है, इसमें रेड आएगा फ्लावर। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो वहाँ जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।